हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है किस किस के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले जिनके पास हुंडई वेन्यू है, हुंडई क्रेटा है, किया सेल्टोस है, i20 है, वरना है, या फिर कोई भी कार है जिसमें प्रोजेक्टर है ना, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। और जो वेन्यू ओनर्स या क्रेटा ओनर्स या फिर सेल्टोस ओनर्स स्पेसिफिकली देख रहे हैं जिनकी कार में प्रोजेक्टर है, या फिर वेन्यू ओनर जिनकी कार या क्रेटा में प्रोजेक्टर भी नहीं है, वो भी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है मेरी हुंडई वेन्यू। जो ओल्ड सब्सक्राइबर है वो सब जानते होंगे कि जो मैंने अपनी हेडलाइट के बल्ब हैं वो अपग्रेड कर रखे हैं 100 वॉट में, क्योंकि जो इसका स्टॉक बल्ब आता है वो 60 वॉट का आता है, एक्सीलाइट 9005 HB3। तो वो बहुत ही ज़्यादा पुअर रिस्पॉन्स बना के देता है, मतलब प्रैक्टिकली वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, रात में हम उससे ड्राइव नहीं कर सकते। तो यही इशू मुझे आज से 3 साल पहले आया था, तो मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि मेरा जो है ये SX ऑप्शनल है टॉप मॉडल। अब टॉप मॉडल लेने के बाद हर कोई यही सोचता है कि एक तो मैंने टॉप मॉडल लिया और उसके बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ करानी पड़े, तो फिर मैंने इतने ज़्यादा पैसे देकर क्या ही फ़ायदा करा, इससे बढ़िया मैं बेस मॉडल ले लेता अगर मुझे पैसे ही लगाने होते। तो यही सेम मेंटेलिटी मेरी थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें जाना कि हमारा जो स्टॉक बल्ब है वो कौन सा है, बाकी स्टॉक बल्ब जो है वो अपना 60 वॉट ही आता है। तो ये तो हो गई अपनी मेन बात। तो अब मेरे पास अपग्रेडेशन के ऑप्शन बहुत सारे थे, LED HID वगैरह। तो LED HID में आप सभी को पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, 8-10 हज़ार लग जाते हैं। तो अब LED HID का तो पर्सनली मेरा बिल्कुल भी मन था, क्योंकि एक तो उसमें 8-10-15 मतलब उसमें कितने ही खर्च कर लो जितना आपका जी करे ना LED HID में, तो चलो एक बार खर्च में भी कर देता, लेकिन वो मुझे इतनी जचती नहीं है। और वो मैं मानता हूँ कि मेरा बेस्ट डिसीजन था। स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा जो वेन्यू ओनर या क्रेटा ओनर LED HID यूज़ कर रहे थे 8-10 हज़ार रुपये लगाकर, मतलब उनका एकदम दिमाग ख़राब हो गया LED HID लगाने के बाद, और पैसे भी वेस्ट हो गए। फिर उन्होंने मुझसे बल्ब मंगाया एक्सीलाइट के 9005 HB3, जो कि मैं रख के भी लाया हूँ और आपको पूरा एक्सपीरियंस दूंगा, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए इन्हें अपग्रेड करे। तो आज मैं आपको जो है वो पूरा एक्सपीरियंस दूंगा इन बल्ब का क्या रहने वाला है। कंपनी ने फिर से इनकी पैकेजिंग चेंज कर दी है और आप मानोगे नहीं, रोज के ये 60-70 पैकेट जाते हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि स्टॉक लाइट भाई बहुत ही ज़्यादा पुअर है। क्रेटा ओनर की भी काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। तो ये तो मेरा मेन रीज़न था LED HID ना अपग्रेड करने का, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा रहा। अब मैं ऐसे ऐसे डाउट और क्वेरी लेना चाहता हूँ जो मतलब मेरे से सब्सक्राइबर जब बात करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द डाउट और क्वेरी ये कॉमन रहती है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये सब डाउट और क्वेरी क्लियर करने वाला हूँ। मेन डाउट और क्वेरी जो रहता है कि मयंक भाई हमें रिले या फिर कुछ एक्स्ट्रा वायर लगाना पड़ेगा क्या, मतलब ये बल्ब अपग्रेड करने के बाद? कोई भी रिले एक्सटर्नल वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। हमारी हुंडई वेन्यू में क्रेटा में प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाता है, तो इसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल वायर या रिले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल प्लग एंड प्ले सिस्टम रहता है। जैसे हमारे घरों पर होल्डर लगा रहता है, सिंपली हम उसमें से एक बल्ब निकाल के दूसरा लगा देते हैं, सेम वही कार के प्रोजेक्टर में भी होल्डर रहता है, सिंपली हमें उसमें से कंपनी वाला बल्ब निकालना है और अपना बल्ब लगाना है। रही बात, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हीट वगैरह का इशू तो नहीं आता, तो इस चीज़ से भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं 10-10 घंटे इसको नाइट ड्राइव करता हूँ, 3 साल हो गए हैं, ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का इशू नहीं आता, और मैंने ये अपग्रेड करे तो कुछ सोच समझ के ही करें, मैं खुद भला क्यों अपनी गाड़ी में नुकसान करूंगा। तो ये वाली बात है, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत और टेंशन फ्री रहिए, हीटिंग वगैरह का कोई भी इशू नहीं आता, एंड इवन आपको रिले भी लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे क्रेटा हो, चाहे वेन्यू हो, चाहे वरना हो, i20 हो, सेल्टोस हो, कोई सी गाड़ी हो, रिले आपको लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एक्सीलाइट के बल्ब। कॉमन डाउट ऑफ क्वेरी ये भी रहता है, काफी लोग पूछते हैं कि हम जैसे ये अपग्रेड कर लेंगे बल्ब, तो ये जो हमारा प्रोजेक्टर का ये जो शीशा है ये भाई काला काला तो नहीं पड़ जाएगा? तो आप देख लो, मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए, ये कहाँ से काला पड़ा और कहाँ से इसमें कुछ आपको दिक्कत देखने को मिल रही है? तो ऐसा कोई भी हीट वगैरह इससे इन ग्लासों पे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना ही कुछ इतनी हीट प्रोड्यूस होती। तो ये भी मतलब ठीक है, एज अ कस्टमर अगर मैं भी हूँ तो मेरे को भी एक बार दिमाग में आएगा, लेकिन ऐसा भी कोई भी इशू नहीं आता, आप इस चीज़ से भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो बल्ब है अदर ब्रांड के भी आते हैं भाई, फिलिप्स के भी आते हैं, ओसराम के भी आते हैं, तो ये एक्सीलाइट में ही ऐसा क्या है कि एक्सीलाइट के ही बल्ब लगाने से मजा आता है? क्योंकि काफी सब्सक्राइबर ऐसे हैं, उन्होंने फिलिप्स के भी बल्ब लगा के देख लिए, उनको उसमें मजा ही नहीं आता, मतलब उनको ऐसा लगता है कि 2-3 महीने बाद जैसे रोशनी कम हो गई क्या। और जो सब्सक्राइबर ऑलरेडी बल्ब यूज कर रहे हैं वो कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक कमेंट में छोड़ दें, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो जाए।
और बाकी जिनको भी बल्ब मंगाने या फिर कोई भी डाउट या क्वारी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। संडे को भी पता है जो एक्सीलाइट की हमें रिलायबिलिटी और क्वालिटी देखने को मिलती है ना, चलो 60 वॉट तो देखो उसमें तो आपको क्या ही क्वालिटी मिलेगी, लेकिन रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ 10-15 साल भी इन बल्ब का कुछ नहीं बिगड़ता जब तक आपकी कार का रजिस्ट्रेशन रहता है। तो इसीलिए एक्सीलाइट ब्रांड बेस्ट रहता है क्योंकि जो एक क्वालिटी ऑफर करता है, जो कि आगे चल के आपको इस वीडियो में देखने को मिली जाएगी क्या इसकी क्वालिटी है, हाईवे पे भी हर चीज में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और रिलायबिलिटी इस बल्ब की इतनी है कि पर्सनली मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे 3 साल पूरे हो गए। तो रिलायबिलिटी इन बल्ब की इतनी है कि जब तक आपकी कार का रजिस्ट्रेशन है 10-15 साल जब तक आप इन बल्ब को बढ़िया यूज करिए। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा ये जो फॉग लैंप है इनमें भी मैंने 80 वॉट के बल्ब अपग्रेड कर रखे हैं, तो फॉग लैंप के लिए इस टाइम 100 वॉट का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप 100 वॉट के मंगा सकते हैं अपने फॉग लैंप के लिए। तो ये तो हो गए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि मुझे पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में कवर कर दिए जाए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए और आप लोगों के दिमाग में क्लियरिटी आ जाए। तो मैंने मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कवर कर दिए, बाकी क्रेटा ओनर सेपरेट वीडियो डली हुई है जिसमें मैंने बल्ब अपग्रेड करके दिखाए तो वो जाके देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक आ जाएगी क्रेटा में जो मैंने बल्ब अपग्रेड करे हैं तो वो आप जाकर देख सकते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब मैं आपको मेन दिखाने वाला हूँ इन बल्बों का रिस्पॉन्स कि इन बल्ब का जो हमारा रिस्पॉन्स है वो भाई कैसा है, मैं इतनी तारीफ तो कर रहा हूँ। तो अब मैं स्विच हो जाता हूँ नाइट व्यू में और आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि नाइट में जो हमारा रिस्पॉन्स है इन 100 वॉट बल्ब का वो कैसा हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम नाइट मोड पे आ गए हैं और आपको जो गाड़ी दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ फोन के फ्लैश की वजह से दिख रही है, वरना रोड पे बिल्कुल बहुत तगड़ा अंधेरा है। और मैंने पार्किंग लाइट भी जला दी ताकि आगे पीछे से आए तो उसको पता चल जाए कि इधर गाड़ी खड़ी है, क्योंकि रोड पे बिल्कुल भी उजाला नहीं है। तो अब जो मेन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सर्दी का टाइम चल रहा है और आप महसूस कर पा रहे होंगे कैमरा में थोड़ा थोड़ा फॉग होना स्टार्ट हो चुका है जो कि रात में होता है, और ऐसे में अगर आप व्हाइट लाइट अपग्रेड करते हैं तो बहुत परेशानी रहती है। तो अब मैं इतनी तारीफ कर रहा था, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। मैंने फोन की फ्लैश भी बंद कर दिया ताकि एक्चुअल आपको रिस्पॉन्स पता चले, और इस टाइम मैं कार के बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको फॉग लैंप का रिस्पॉन्स दिखाना चाहूंगा कि फॉग लैंप का क्या रिस्पॉन्स है। अब ये जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप का है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे हेडलाइट मैंने ऑन नहीं कर रखी, सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप चल रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि फॉग लैंप क्या ही उजाला करते होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा उजाला कर दिया है फॉग लैंप में, वरना वहीं ये रोड आप देख सकते हैं ऐसा था। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो फॉग लैंप का हमें इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, 80 वॉट के फॉग लैंप मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, और अब जो है करंट में आपको 100 वॉट भी मिल जाएंगे अगर आप फॉग लैंप पर लगाना चाहते हो तो। तो ऐसा कुछ तो हमारा फॉग लैंप का एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं जला देता हूँ मेन हेडलाइट कार की। तो अब मैंने मेन हेडलाइट कार की ऑन कर दी और अब आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। एक बार मैं सब कुछ ऑफ कर देता हूँ फिर से, तो अब देखिए आप कुछ नहीं दिखेगा आपको, और जैसे ही मैं हेडलाइट ऑन कर दूंगा तो आप देखिए मतलब ऐसा लगता है एकदम बढ़िया मजा आ गया। यहीं आप देखोगे इस रोड पे बिल्कुल रोड लाइट नहीं है, जब तक आपकी कार की लाइट नहीं जलती ना जब तक आप यूं सोचोगे मैं कहीं सुनसान इलाके में आ गया, और जैसे ही आप अपनी कार की लाइट ऑन कर दोगे तो आपको लगेगा नहीं यार इतना भी कोई अंधेरा नहीं है। तो अब ये जो है कार वो इस टाइम लो बीम पे है, अब आप देख पा रहे होंगे लो बीम पे ही कितना शानदार उजाला है, वहीं मैं इसको हाई बीम पे करूंगा तो अब आप देखो मतलब हाई बीम पे कितनी दूर तक इसका थ्रो जा रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा सामने से दिखाऊं तो सामने से देखने में कुछ ऐसी लगती है मतलब कार की लाइटिंग बहुत ही खतरनाक और शानदार रिस्पॉन्स हमारा निकल के आता है जो कि मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। और आप इधर देख पा रहे होंगे जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये फॉग है, मतलब हल्का हल्का फॉग पड़ना चालू हो गया, तो फॉगी कंडीशन में भी बहुत हेल्पफुल रहती है लाइट। और मैंने तो देखो भाई ऐसा भी नहीं है कि मैं इनको साफ करके लाया हूँ या कुछ, इन पर इतनी ज़्यादा धूल जम रही है क्योंकि इसकी सर्विस होगी, हेडलाइट इतनी शानदार है मेरे को साफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अब आप देखो इस टाइम जो है ये अपन हाई बीम पे है और अभी अपने सामने से बाइक जा रही है। अब मैं अगर इसको डिपर मारता हूँ तो आप देखो कितना ही बेहतरीन हमें डिपर देखने को मिल रहा है, और हाई बीम पे मैं कर दूंगा तो ये हाई बीम हमारी सेपरेट डिफरेंट हो रही है और हाई बीम लो बीम एकदम अच्छे से पड़ रहा है। और अब अगर एक बार मैं कार के अंदर जाके दिखाऊं कार के अंदर बैठ के हमें कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, टाइम जो है वो मैं कार के अंदर आ चुका हूँ, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल ड्राइविंग पोजिशन में बैठते हैं वैसे ही आपको पूरा एक्सपीरियंस होगा। तो इस टाइम आप बाहर देख सकते हैं बिल्कुल भी लाइटनिंग नहीं है और बहुत ज्यादा अंधेरा है, और इवन जो विंडशील्ड है उस पर भी हल्का हल्का फॉग आ रहा है अंदर से, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो मेन हेडलाइट मैंने पहले मैं फॉग लैम्प का दिखाना चाहूंगा, फॉग लैम्प आप देखो कितना ही बढ़िया उजाला कर देते हैं। वहीं अगर मैं मेन हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ
तो मेन हेडलाइट ऑन करते ही तो एकदम मजा आ जाता है। ये जो आपको थोड़ा फॉगी फॉगी सा दिख रहा है, ये अपनी विंडशील्ड है। देखो जैसे मैं हटा रहा हूँ तो ये फॉग हट रहा है। तो विंटर में तो ये वाली लाइट इतनी शानदार है ना। और अगर आपको ऐसे फॉग हटाना हो तो सिंपली आप एक बार डिफॉगर ऑन कर सकते हैं, ये जो आपका फॉग है ये भी हट जाएगा और आपको ड्राइविंग में काफी इजी हो जाएगा। तो ये फॉग को मैं हटने देता हूँ और जब तक मैं आपको हेडलाइट का रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। अब जो आप एक्चुअल ड्राइव करोगे ना, जब आपको ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, बिल्कुल अंधेरा, और जैसे ही आप अपनी हेडलाइट ऑन कर लोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि अंधेरे वाली रोड पे व्यू में। और वहीं इस टाइम कार जो है वो लो बीम पे, आप नीचे भी देख लो, और जैसे ही मैं इसको हाई बीम पे करूंगा तो इंडिकेट आ जाता है। और भाई अब देखो मस्टैंग गई है अभी मेरे सामने से, और मस्टैंग को मैं डिपर दे रहा हूँ तो कितना ही बेहतरीन डिपर पड़ रहे हैं। मतलब मस्टैंग वाले को भी यूं लगेगा कि यार ये तो कोई बहुत तगड़ी गाड़ी है इसके पास जो इतना बढ़िया है डिपर मार रहा है। और बाहर जो आपको थोड़ा फॉगी फॉगी सा दिख रहा है वो फॉगी कंडीशन है, मतलब फॉग में भी आप देखो हाई बीम इसकी कितनी प्रॉपर पड़ रही है और मुझे प्रॉपर डिफरेंशिएट हो रहा है कि भाई ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही कि मैं फॉग में इसको ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। ये तो मैंने आपको आइडियल पोजीशन में दिखा दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा ड्राइविंग और उसके बाद हाईवे रिस्पॉन्स दिखा दूंगा कि कैसा है हमारे इन 100 वॉट बल्ब का। और अगर आपको ये बल्ब चाहिए तो गूगल फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रही होगी, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। जो है वो मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं और हेडलाइट मैंने इस टाइम ऑन कर रखी है। अगर मैं एक बार इनको ऑफ कर देता हूं तो आप देखो ये सिर्फ एलईडी डीआरएल जल रही है कार की, वरना रोड पे बिल्कुल अंधेरा है। वही मैं मेन हेडलाइट और फॉग लैंप ऑन कर दूंगा तो आप देखो कितना ही प्यारा रिस्पांस निकल के आ रहा है। और मैं इस टाइम प्रॉपर ड्राइव कर रहा हूँ तो जो मेरी आंखों को दिख रहा है वही मैं सेम आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर आपको पता चले कि इन बल्ब का क्या ही रिस्पॉन्स है। और देखो इस टाइम जो है अपनी हाई बीम पे हम चल रहे हैं, वहीं अगर मैं लो बीम पे कर देता हूँ तो लो बीम पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिफरेंशिएट हो रहा है। मतलब जो स्टॉक बल्ब आते हैं ना उससे आप हाई बीम लो बीम देकर देखोगे तो आपको कुछ फर्क ही नहीं लगेगा, मतलब मर्ज सी रहती है उसमें, वो दम वाली बात ही नहीं है। वहीं आप इन 100 वॉट के बल्ब लगाने के बाद ऐसे डिपर मारोगे ना तो आपको स्वाद ही अलग आएगा, मतलब कितना बेहतरीन डिपर पड़ता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, खटखट खटखट। ओवरटेकिंग में बड़ा मजा आता है भाई ऐसे डिपर देने के बाद, मतलब दिल सा खुश हो जाता है और जो आगे चल रहा होता है ना वो फट से अपनी गाड़ी साइड कर लेता है बिना कोई देरी लगाए। तो ड्राइव करते वक्त ये चीजें आपको महसूस होंगी। वहीं आप अगर स्टॉक बल्ब से अपनी कार को चलाते होगे तो आपको पता ही होगा कि कितने बुरे हमारे स्टॉक बल्ब जो हमें देखने को मिलते हैं वेन्यू क्रेटा इन सब में, मतलब उनसे भाई ड्राइव करना पॉसिबल ही नहीं है, रात में कुछ दिखता ही नहीं है, ब्लैंक हो जाता है एकदम आदमी। वहीं अगर आप इसका रिस्पॉन्स देखोगे तो इस टाइम ये लो बीम पे, इस टाइम मैं हाई बीम पे कर देता हूँ। हाई बीम पे तो भाई इतना शानदार रिस्पॉन्स आता है ना, मैं ज्यादातर इसको लो बीम पे ही चलाता हूँ, हाई बीम की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। और लो बीम पे ही लोग सामने से डिपर मारने लग जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपनी जो गाड़ी है वो हाई बीम पे कर रखी हो, तो ये एक स्वाद और देखने को मिलता है। बाकी अब आप देख लो ये मैंने नॉर्मल ड्राइविंग में आपको दिखा दिया, अब एक बार आप हाईवे रिस्पॉन्स और देखो कि हाईवे रिस्पॉन्स कैसा है बल्ब का। हम हाईवे पे लेकर आ चुके हैं कार को, आप देख सकते हैं टू लेन इस टाइम हाईवे है और हेडलाइट मेरी प्रॉपर ऑन है, और आप देख लो मतलब हाईवे पे ऐसी कोई रोड लाइट खास भी नहीं है और उसके बाद भी कितना ही बेहतरीन रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। आप देख ही पा रहे होंगे जो कार की लाइट है 100 वॉट बल्ब भी इसमें लगे हुए हैं, और हाईवे पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। मतलब हाईवे पे भी आपको एक मतलब कमी महसूस नहीं होगी, एक नंबर स्वाद आता है इसको ड्राइव करने के बाद। और मेन चीज जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए ना नाइट ड्राइविंग में, वो आपको देखने को मिलेगा इन बल्ब को लगाने के बाद, वरना भाई नाइट ड्राइविंग के लिए तो मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी। वहीं अगर आपको आप इंदुजियास ड्राइवर हो और आपको ये मन रहता है कि आप रात में बढ़िया ओवरटेक करो, बढ़िया तरीके से डिपर दो गाड़ियों को ताकि वो हट जाएं और आपको ओवरटेक करने दें, तो एक बार मैं डिपर का रिस्पॉन्स और दिखा देता हूं आपको कि हाईवे पर कितना बेहतरीन डिपर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ट्रक चल रहे हैं तो इन ट्रक को मैं डिपर मारूंगा और ये समझ जाएंगे कि भाई पीछे से कोई बढ़िया गाड़ी आ रही है। और वहीं अगर मेरी लाइट कुछ हल्की होती ना तो ट्रक वाले भी सोचते हैं कोई हल्की गाड़ी होगी, इसको क्यों ही आगे जाने दे। तो ये स्वाद आपको देखने को मिल जाता है अगर आप मतलब अपने बल्ब अपग्रेड कर लेते हैं, वरना स्टॉक बल्ब तो इतने बेकार है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले ही इतने ज्यादा परेशान हो क्योंकि रोज इतने सारे मतलब गूगल फॉर्म फिलअप हो जाते हैं और रोज आपके पास इतने सारे बल्ब जाते हैं तो मुझे भी पता ही है। और इसी वजह से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुअर रिस्पॉन्स है स्टॉक बल्ब का। तो यही ऐसा कुछ हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है अपने हुंडई वेन्यू में 100 वॉट के बल्ब का, क्रेटा सेल्टोस आप वरना i20 सब में इनको लगा सकते हैं, वेन्यू एस मॉडल वाले भी लगा सकते हैं। तो जिनको भी ये बल्ब चाहिए तो गूगल फॉर्म की लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, और
इंस्टाग्राम आईडी भी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये बल्ब प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी और कोई अगर आपको डाउट एक्वायरी हो तो आप वो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और जो सब्सक्राइबर बल्ब यूज कर रहे हैं वो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसी कुछ वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।